पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। कौन सी है बॉलीवुड में फिल्में जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है? क्या अब्बास मस्तान सोचेंगे कुछ यूनिक? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोल्जर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। सोल्जर, ये शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं? वॉरियर, देश की शान, देशभक्ति, तिरंगा और ना जाने कितनी चीजें। सोल्जर्स तो शानदार होते हैं और उन पर बनाई जाने वाली फिल्में भी। फिल्मों से याद आया, अगर बॉलीवुड में किसी को सोल्जर पुकारा जाए तो पहला रिस्पॉन्स बॉबी देओल का होगा। हाँ, उनकी मूवी सोल्जर में वो मेजर बने थे ना। अभी सोल्जर ने तो अपना काम कर दिया, पर अब इसके सीक्वल की बारी है। मतलब अब ऑडियंस सीक्वल में कुछ नया एक्सपेक्ट करेंगी जो बॉबी को करके दिखाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कितनी देशभक्ति और वॉरियर फिल्में बनाई गई हैं? उसमें से ज्यादातर रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। क्या कहा आप, कुछ कुछ फिल्में नहीं जानते? कोई नहीं, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हजारों लोगों को कैदी बनाया गया था, इसलिए मूवी का नाम भी 1971 रखा गया ताकि ये साल कोई भी ना भूले। मूवी उन्हीं कैदियों की जिंदगी पर बेस्ड थी। 1997 की मूवी बॉर्डर में बॉबी के बड़े भाई सनी देओल ने अपने दमदार आवाज और सोल्जर का यूनिफॉर्म पहनकर दुश्मनों के पसीने छुरा दिए थे। लोंगेवाला चेक पोस्ट पर हुए भारत पाकिस्तान का घमासान वॉर दिखाया गया। उसके बाद 1999 में हुए भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर, जो पर्दे पर दिखाना बहुत ही मुश्किल था, वो देखने को मिला मूवी LOC कागल में। इसमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा करते करते कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2019 में रिलीज हुई मूवी उरी भी रियल इंसिडेंट को दर्शाती है। मेजर विहान सिंह शेरगिल 2016 में कश्मीर के उरी में एक सैन्य टुकड़ी पर हमला कर कई जवानों की जान लेने वाले हिंसावादियों के एक समूह के खिलाफ एक स्पेशल मिशन को हैंडल करते हैं। यही तो था उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद 2021 में भी हमें बायोपिक देखने को मिली, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर में देश के लिए कुर्बानी दे दी और उनकी कुर्बानी को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका कारगिल वॉर, उनका स्ट्रगल और जर्नी दिखाई गई। ये जितनी भी रियल स्टोरीज है वो सारी की सारी सुपरहिट रह चुकी है। ऐसी कहानियां फिल्मों के जरिए बताई जा सकती हैं, तो और फिल्में बनानी चाहिए। तो फिर सोल्जर 2 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करना गलत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर अब्बास मस्तान भी जानते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को पूरे एंटरटेनमेंट देने के लिए जरूरी है। इसलिए वो किसी ऐसी कहानी पर रिसर्च करेंगे जिनके बारे में ऑडियंस ना जानती हो और जानना काफी जरूरी हो। उनकी डायरेक्शन को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो किसी को कॉपी करेंगे, उनके आइडियाज यूनिक होंगे। पर हाँ, कोई ऐसा ही रियल इंसिडेंट चुरा कर तो नहीं, पर मूवी का सब्जेक्ट बनाकर उस पर इन डिटेल काम किया जा सकता है, क्योंकि रियल स्टोरी से रियलिटी बता सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर हमें कौन सी ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसे पूरी दुनिया अनजान है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।